गोरिल्ला को फिल्मों में बहुत ही खतरनाक ढंग से दिखाया गया है। ऐसा लगता है कि जैसे उसे कोई जीव हरा ही नहीं सकता। फिल्मों में उसे काफ़ी बड़ा और ताकतवर दिखाया जाता है, लेकिन हकीकत में गोरिल्ला ऐसे नहीं है। फिल्मों में तो ऐसा लगता है कि जैसे गोरिल्ला कई 100 मीटर बड़ा हो और उनका वज़न लगभग 1,00,000 किलो के बराबर हो, लेकिन हकीकत में गोरिल्ला 2 मीटर से ज़्यादा ऊंचा नहीं होता और उसका वज़न लगभग 170 किलो के आसपास होता है। और जितना खतरनाक इन्हें फिल्मों में दिखाया जाता है, उनका लगभग 10% खतरनाक भी ये नहीं है। गोरिल्ला एक घास फूस खाने वाला जीव है जिसका बाइट फोर्स 1300 PSI का होता है। ये अफ्रीका के वर्षा वनों में रहते हैं। गोरिल्ला की 2 प्रजातियाँ अफ्रीका में रहती है, जिसमें पूर्वी गोरिल्ला और पश्चिमी गोरिल्ला है, और उसके अलावा इनकी 4 से 5 उप प्रजातियाँ भी है। इन सब में खतरनाक सिल्वर बैक गोरिल्ला होते हैं और सबसे ज़्यादा ताकतवर भी। एक मेल अल्फा सिल्वर बैक गोरिल्ला इनके झुंड का लीडर होता है, और अगर किसी मेल सिल्वर बैक गोरिल्ला की ताकत की बात करें तो उसमें लगभग 20 जवान इंसानों के बराबर की ताकत होती है और वह लगभग 2000 किलो तक के वज़न को उठा सकता है। गोरिल्ला अपने वजन से लगभग 27 गुना ज़्यादा वजन उठा सकता है, और इनका पंच इतना खतरनाक है कि अगर एक बार वह किसी जानवर के मुंह पर पड़ जाए तो हड्डियों का चूरा तक बन सकता है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम सिल्वर बैक गोरिल्ला को लड़वाने वाले हैं अफ्रीका के खतरनाक शेरों से। आप में से बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि ये मुकाबला बड़ा ही आसान है, गोरिल्ला बड़े आराम से शेरों को मार देगा, लेकिन हकीकत कुछ और है, और उस हकीकत को जानने के लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। अगर दोनों जानवरों के वज़न की बात करें तो इनका वज़न लगभग बराबर है। किसी जवान शेर का वज़न लगभग 190 किलो तक होता है और ऊंचाई लगभग 1.2 मीटर तक होती है और लंबाई लगभग 2.1 मीटर तक। मतलब हम कुल मिलाकर ये मान सकते हैं कि गोरिल्ला और शेर लगभग बराबर आकार के हैं। अब अगर शेर की पावर की बात करें तो टाइगर के बाद शेर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी और ताकतवर बिल्ली है। शेर अपने जबड़ों से 650 PSI से 900 PSI तक वाइट फोर्स पैदा कर सकते हैं। हालांकि शेरों के पास हाथ नहीं हैं जिनसे वे किसी वजन को उठा सके, लेकिन उनके जबड़ों में इतनी ताकत होती है कि 10 जवान इंसान भी उसके द्वारा पकड़ी गई रस्सी को नहीं खींच सकते, और शेर के पंजे में इतनी ताकत होती है कि एक वार से इंसान की गर्दन उसके शरीर से अलग हो सकती है। शेर बहुत ही क्रूर जानवर होता है और शायद ही कभी ये दूसरे जानवरों को मारने में हिचकिचाते हो, लेकिन सामने जो गोरिल्ला खड़ा है उसका स्वभाव ऐसा नहीं है। शाकाहारी और मांसाहारी जानवरों में यही एक फर्क होता है, तभी तो एक बड़ा भारी भरकम भैंसा भी शेरों का शिकार बन जाता है। शाकाहारी जानवर चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, वो मांसाहारी जानवर का शिकार बन ही जाता है। किसी दूसरे जीव को मारने का तजुर्बा जानवर के व्यवहार की वजह से आता है। अब शेरों का काम सिर्फ मारने का होता है, लेकिन गोरिल्ला बहुत ही सज्जन जानवर होता है। हालांकि ये माना जाता है कि जब गोरिल्लाओं में लीडर का चुनाव होता है तो उनके बीच बहुत ही खतरनाक लड़ाई होती है, लेकिन वो लड़ाई सिर्फ हार जीत वाली होती है, मार काट वाली नहीं। लेकिन अगर शेरों की बात हम करें तो शेरों में जब अपने इलाकों को लेकर लड़ाई होती है तो उस लड़ाई में किसी एक शेर को या तो वो इलाका तुरंत छोड़कर भागना होता है या फिर वो ताकतवर शेरों का शिकार बन जाता है। शेर दूसरों को मारने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते। शेर निडर होते हैं और जिन जानवरों को ये जानते हैं उन पर ये तुरंत हमला करते हैं। शेर और गोरिल्ला दोनों अफ्रीका में रहते हैं। अफ्रीका काफ़ी बड़ी जगह है जिसमें गोरिल्ला कोंगो के वर्षा वनों के इलाकों में रहते हैं, जबकि शेर अफ्रीका के सवाना के घास के मैदानों में। हालांकि शेरों की कुछ प्रजातियां हैं जो कोंगो के इन जंगलों के आसपास रहती है, और शायद ही कभी उनकी इन गोरिल्लाओं से मुठभेड़ होती हो। वैसे किसी गोरिल्ला को मारना कोई आम बात नहीं है, लेकिन मैं बता दूं कि कई बार गोरिल्ला तेंदुए का शिकार बन जाता है। अब आप ही सोचो कि अगर एक तेंदुआ गोरिल्ला को मार सकता है तो क्या शेर के लिए किसी गोरिल्ला को मारना आसान नहीं होगा? बहुत सारे लोग फिल्मों में देख लेते हैं कि गोरिल्ला बहुत ही खतरनाक जानवर है और ये विश्वास कर बैठते हैं कि गोरिल्ला किसी को भी मार सकते हैं, लेकिन हकीकत में गोरिल्ला को
टाइगर, शेर, तेंदुआ, जेगुआर, भालू, मगरमच्छ जैसे खतरनाक जानवर मार सकते हैं। कई बार गोरिल्ला जहरीले जीवों की वजह से भी मर जाते हैं, लेकिन वो अलग बात है क्योंकि जहरीले जीव चुपके से गोरिल्ला को काट लेते हैं, जिससे उनके जहर की वजह से गोरिल्ला मर जाते हैं। पता नहीं क्यों नेचर ने गोरिल्ला को इतना ताकतवर बनाया है और वो फिर भी इन शिकारियों से बच नहीं सकता। शायद ये गोरिल्ला के खान पान की वजह से हुआ है। गोरिल्ला लगभग दिन भर खाते रहते हैं। इनमें पेड़ पौधों की पत्तियाँ, फल फूल शामिल है, और इस लगातार खाने की वजह से गोरिल्ला बहुत ही मस्कुलर जानवर होता है। वैसे इनके दांत भी काफ़ी खतरनाक दिखते हैं, लेकिन वो इन शिकारी जानवरों के आगे कुछ नहीं है। कई बार गोरिल्ला पेड़ों की छालों में छिपे कीड़ों को भी खाते हैं। उन कीड़ों को वहां से निकालने के लिए गोरिल्ला अपने दांतों से छालों को छीलते हैं। फिल्मों में तो शेरों को भी काफ़ी खतरनाक बताया जाता है। फिल्मों में और हकीकत में दिन रात का अंतर है। अब आपके मन में ये ख्याल भी आ रहा होगा कि क्या हो अगर गोरिल्ला शेर की गर्दन पर एक मुक्का मार दे। तो मैं बता दूं कि इस घटना के घटने के चांसेस बहुत ही कम है, क्योंकि शेर जो है वो मांसाहारी जानवर है। उस वजह से गोरिल्ला शेर से डरकर दूर भागने की सोचेगा। उस हालत में गोरिल्ला शेर को मुक्का नहीं मार पाएगा। गोरिल्ला में जब अपने इलाके को लेकर लड़ाई होती है, तब उन्हें अपनी जान की इतनी फिक्र नहीं होती, इसीलिए वो पूरी ताकत का उपयोग करके दूसरे गोरिल्ला को हरा देते हैं। लेकिन यहाँ गोरिल्ला से लड़ने वाला शेर है, तो गोरिल्ला को अपनी जान की चिंता ज़्यादा होती है। हालांकि मैं मानता हूँ कि गोरिल्ला बहुत ही इंटेलिजेंट जानवर है, पर दूसरी तरफ गोरिल्ला एक शाकाहारी जानवर है, और जंगलों में शाकाहारी और मांसाहारी जानवरों में अगर लड़ाई होती है तो ज़्यादातर लड़ाइयाँ मांसाहारी जानवरों के पक्ष में होती है, क्योंकि यही नेचर का रूल है। बस थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि ज़्यादा ताकतवर शाकाहारी जानवर मांसाहारी जानवरों द्वारा कम मारे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं विजेता घोषित करता हूँ शेर को, और आप ही जरा सोच सकते हो कि अगर शाकाहारी जानवर इतने ताकतवर है तो फिर इन्हें जंगल का राजा क्यों नहीं बनाया गया, क्यों जंगल का राजा शेर बना। और हाँ, जाने से पहले एनिमल टीवी हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूले, और हो सके तो वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें। थैंक यू। ये क्या है? ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है।